नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। आपका, मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। सख्ती से ठगी का अनोखा मामला सामने आया, जहां SBI के फर्जी ब्रांच खोलकर ठग ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। सख्ती जिले के छोपरा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी ब्रांच संचालित किया जा रहा था। ब्रांच में काम करने वालों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया था, और जब इसकी भनक SBI के स्थानीय अधिकारियों को लगी, तब उनके होश उड़ गए। SBI के अधिकारी पुलिस बल के साथ फर्जी ब्रांच पहुंचे और वहां लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया है और फर्जी ब्रांच भी खोलकर उन्हें ड्यूटी पर भी लगा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने SBI के फर्जी ब्रांच का जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। सख्ती जिले के छपोरा गांव में हम पहुंच चुके हैं और उस कॉम्प्लेक्स में है पंडित निवास वैभवी कॉम्प्लेक्स छपोरा, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी ब्रांच का संचालन किया जा रहा था और इसका बड़ा खुलासा हुआ है। ये ब्रांच जो है, हम वहीं पर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या क्या था। हालाँकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने काफ़ी चीज़ें जब्त कर ली हैं। ये जो खुला शटर नज़र आ रहा है, यहीं पर ब्रांच खोला गया था। और देखिए, किसी को शक मत हो, उसके लिए उसका भी पूरा इंतजाम किया गया था जालसाजों द्वारा। जैसे कि बैंकों के बाहर सूचना जो है, एक चस्पा रहती है, वो चस्पा की गई थी। बैंक के शाखा खुलने का समय बताया गया है। इसके अलावा बैंक में कौन प्रवेश कर सकता है, कि क्या चीज़ लेकर नहीं प्रवेश करना है, बंदूक तमंचा धारदार हथियार आदि, उसका पूरा चस्पा किया गया था, जो आमतौर पर बैंकों के बाहर लगा होता है, किसी भी बैंक के बाहर जाएंगे। इसके अलावा एक CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। CCTV कैमरे का जो निकला हुआ आपको दिख रहा होगा कैमरा, लेकिन वो कनेक्शन CCTV कैमरे का ही बताया जा रहा है। यानी कि पूरी तैयारी के साथ जालसाज थे और उनको, किसी को कोई शक मत हो, इसका भी पूरा इंतजाम किए थे कि बैंक का जो शाखा होती है वो किस तरह से संचालित होती हैं, वैसा ही पूरा इंतजाम किया गया था। अब अंदर चलते हैं, अंदर की देखते हैं क्या चीज़ें हैं। जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे कि ये रिसेप्शन का इलाका था, यानी कि यहाँ गार्ड और अन्य लोग बैठते हैं, और इसके अलावा मेन बैंक ब्रांच जो शाखा संचालित हो रही थी, वो यहाँ पर दो कमरे हैं, एक किचन है और एक लैट बाथ है। इसके अलावा बड़ा सा हॉल है, यहीं पर संचालन के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। कई सारे सामान जब्त कर लिए गए हैं। देखिए, कुछ सामान यहाँ पर अभी भी पड़े नजर आएंगे। ये तो फर्नीचर का सामान है, ये क्या है इसको देखते हैं। अच्छा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, देखिए ये एक पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और भी जगह गिरे पड़े नज़र आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अकाउंट फॉर्म जो मिलते हैं नेट से, या उसको भी रखा गया था ताकि किसी को कोई शक मत हो। ये एक दस्तावेज मिल रहा है जो अभी गिरा हुआ यहाँ पर मिला हम लोग को। इसके अलावा एक मिनट भैया, हाँ ठीक है थोड़ा सा, ये देखिए कुछ और भी हैं। ये तो अकाउंट फॉर्म ही है, लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ का 25 सितंबर का कैश पेड और अन्य जो सील लगे होते हैं बैंकों के, वो भी देखिए फर्जी तरीके से किस तरह से बनाया गया था, इसके प्रमाण के तौर पर आपको नज़र आएगा। ये यहाँ कागज़ कुछ गिरे पड़े हैं उसमें नज़र आ रहा है। और ये एक ही नहीं, देखिए ये प्रैक्टिस किस तरह से चल रही थी, कुछ और भी है, ये भी है। इसमें एक डायग्राम बनाया गया है, क्या ये ऐसे ही बनाया गया है, या इसका भी अपना कोई जालसाजों का अपना कोई कोड है, इसको भी बड़े समझने की बात है। और ये इसके साथ जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं उसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है, यानी कि पूरी तैयारी थी, कहीं से कोई शक मत हो। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी का खाता नहीं खुला था, लेकिन तैयारी पूरी थी जालसाजों की। ये एक जो चीज़ें मिल रही हैं उससे ही प्रमाणित होती हैं, बड़ी जालसाजी की तैयारी में थे। देखिए एक साइन किया हुआ भी कुछ मिल रहा है, नाम देखेंगे तो रेड पेन से ज्योति यादव इस पर लिखा हुआ है। अब ये ज्योति यादव क्या इनका शिकार था या फिर खुद कर्मचारी थे। एक कमरा है जिसमें और भी लोग हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं कागजी तौर पे, ड्रॉज हैं, हटाने काम चल रहा है। ये देखिए एक बिल है लोकनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, इलेक्ट्रिकल के नाम से, 9,610 रुपये का, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक का काम हुआ था उसका बिल है। अच्छा, इस बिल से एक चीज़ और पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो सप्लाई हुआ था वो 18/9/2024, यानी कि ये पूरी जालसाजी की जो कोशिश थी वो इसी महीने सितंबर महीने में ही शुरू की गई थी। ये एक प्रमाण के तौर पर है जो बिल मिल रहा है। आपको क्या, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी जो चल रहा है? तो जितना भी थाना सब सामान को जब्ती किए हैं उसको थाना पहुँचवा रहा हूँ। अच्छा, ये सारे चीज़ों को थाना द्वारा जब्ती कर लिया गया है? हाँ। आपको जिम्मेवारी मिली कि इसको थाना पहुँचाने की? हाँ। क्या क्या पहुँचा चुके हैं अब तक? कंप्यूटर कुर्सी सब पहुँच चुका है, और अभी सब काउंटर वा सब पहुँच रहा है।
अच्छा, कितना कंप्यूटर और कितनी कुर्सियां पहुंचा चुके हैं? 9-10 के लगभग है कंप्यूटर और कुर्सी भी 9-10 के लगभग। और इसके अलावा क्या क्या सामान? और उसके अलावा तो इन्वर्टर हुआ है, वो अभी गया नहीं है, जाएगा अभी। अच्छा, टेबल कितने सारे हैं? टेबल लगभग काउंटर ही है, टेबल नहीं है, काउंटर 3-4 काउंटर हैं। क्या और अंदर ड्रॉज वॉज में कोई सामान ऐसा जो निकाला गया हो ड्रॉज से? वो तो मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, कल उसमें कुछ कुछ सामान को ले गए थे। बैंक का संचालन होता स्वाभाविक तौर पर, तो इसमें खाता खोलने की भी लोगों की तैयारी थी कि खाता भी खोल सकते थे। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के पीछे ये उद्देश्य था कि आखिर किस तरह से जो जालसाज थे वो एक बड़ी तैयारी करके रखे थे फ्रॉड का, और कैसे शिकार बनाने की तैयारी थी आम लोगों की। और कई लोगों को तो जैसा कि पुलिस जांच में अभी तक पता चल रहा है शिकार बना भी चुके हैं नौकरी लगाने के नाम पर।